हेलो एवरीवन, पहले चिगुर भाजी को अच्छे से धो के थोड़ा सुखा लीजिएगा। उसके बाद अपने दोनों हाथों में थोड़ा थोड़ा सा लेके इसको ऐसे मसलना चाहिए। सो पूरा मसल के साइड में रख लीजिएगा। मैंने कुकर में गोश्त ले लिया है, उसमें ऑलरेडी मैंने नमक डाल दिया है। नमक अपने स्वाद अनुसार डालिएगा, नमक बाद में भी डाल सकते हैं अब अगर आप थोड़ा सा नमक कम लगा तो। उसके बाद मैंने हाफ स्पून हल्दी डाला है और मैंने 2 ऑनियंस कटे हुए डाले हैं। अभी इसमें मैं 1 कप वाटर डालूँगी। 1 कप वाटर काफ़ी है। अब वाटर डालने के बाद सब मिला के कुकर लगा के 4 सीटी या 3 सीटी लगा लीजिएगा। मेरे को 3 सीटी काफ़ी हो चुके थे। अगर आपका मटन थोड़ा नहीं पका हो तो फिर से आप लिड लगा के और 1 सीटी दे सकते हो। ये देखिए मेरा मटन पक चुका है, मैंने चेक कर लिया है। आप भी चेक कर सकते हैं अपने हाथ को हाथ में लेके मटन पका है कि या नहीं। अभी इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ, तो मैं 1.5 स्पून, ये जो बिग स्पून है, मैं 1.5 स्पून ऑयल डालूँगी। ऑयल डाल के थोड़ी देर के लिए पकाऊँगी। चिगुर भाजी हेल्दी भी है, बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी है। अभी मैं इसमें 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। पेस्ट डाल के थोड़ा अच्छे से मिला रही हूँ। अभी मैं कोकोनट पेस्ट, नारियल का पेस्ट है, वो मैं 4 टेबल स्पून्स डालूँगी। 4 टेबल स्पून्स डाल के अभी मैं इसको अच्छे से पकाऊँगी, क्योंकि नारियल का जो कच्चापन है वो पक जाए। अभी मैं 2 टेबल स्पून्स रेड चिल्ली पाउडर, लाल मिर्च डाल रही हूँ। डालने के बाद अच्छे से मिला के 10 मिनट्स तक पकने दूंगी, हिलाते रहूँगी बीच में। कभी भी गोश्त जितना धीरे से पकाओगे, जितनी धीरे आंच पे पकाओगे, उतना टेस्टी होगा। और आपके फ्रेंड्स हो या रिलेटिव्स हो, पार्टनर्स हो, बहुत टेस्टी से खाएंगे और ज़रूर हेल्दी भी होगा। अभी मैंने जो लीव्स हमने क्रश रब करके मसल के रखा है, वो अभी मैं मटन में ऐड कर रही हूँ। अच्छे से मिला के पकाइएगा और लीव्स भी पकना चाहिए। अगर थोड़ा ड्राई ड्राई सा हो गया हो तो थोड़ा सा लिटिल सा वाटर डाल के थोड़ी देर पका लीजिएगा। तो देखिए थोड़ा सा ड्राई है, इसीलिए मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। थोड़ा सा डाल के अच्छे से मिला के पकाऊंगी।
सो थोड़ी देर पकाने के बाद अभी मैं 1 कप वाटर डाल रही हूँ। 1 कप वाटर डालने के बाद 5 मिनट्स पकने दीजिएगा और चेक कर लीजिएगा कि रेड चिल्ली और साल्ट बराबर है भी या नहीं। अगर नहीं हो तो फिर भी ऐड कर सकते हो। सो लास्ट में 2 मिनट्स लो फ्लेम पे रख लीजिएगा। सो हियर मेरा यम्मी यम्मी चिगुर गोश रेडी है। सर्व इट विद राइस एंड चपाती।